जय श्री माता जी। हम सभी लोग सबसे पहले अपने चित्त को पूर्णतया शांत करेंगे। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। हम श्री माता जी के दरबार में बैठे हुए हैं, अपनी माँ के पूर्ण प्रोटेक्शन में बैठे हुए हैं। सभी गण, सभी देवता और इस सृष्टि की हर चीज सब श्री माता जी की इच्छा अनुसार चलती है। हम सभी ये बात जानते हैं, इसलिए आज हम परमेश्वरी से प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, कृपया करके आप हमें आपका ध्यान करने की अनुमति प्रदान करें। माँ, हमें अपना ध्यान करने की अनुमति प्रदान करें माँ, और आपकी पूजा करने का भी अवसर हम आपसे आज पाना चाहते हैं श्री माता जी। माँ की अनुमति मिल रही है या नहीं, इसका संकेत हमारे हाथों में आएगा, इसलिए हम अपना चित्त अपने दोनों हाथों पे रखेंगे। श्री माता जी, कृपया करके हमको अपना ध्यान करने की अनुमति प्रदान करिए। माँ, कृपया करके हमको अपना ध्यान करने की अनुमति प्रदान करिए। माँ, माँ, हमें अपनी पूजा की अनुमति प्रदान करिए। माँ, संकेत आ गया है, श्री माता जी की अनुमति हमें प्राप्त हो गई है। सबसे पहले हम अपने चित्त को अपने मूलाधार चक्र पे रखेंगे और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। हे श्री गणेश जी, कृपया करके आप हमारे मूलाधार चक्र पे स्थापित हो जाएं और अपने विघ्नहर्ता स्वरूप में हमारे ऊपर, हमारे चारों तरफ जहाँ भी हम रहते हैं, ग्राम देवता, स्थान देवता, जहाँ भी हम विचरण करते हैं, वहाँ के ग्राम देवता और स्थान देवता जागृत हो जाएं श्री गणेश जी, और जो भी विघ्न बाधाएं इस समय चारों तरफ व्याप्त है, उन सब का आप हरण कर लें और हमें अपने प्रोटेक्शन में रखें। श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हैं माँ, कृपया करके विघ्नहर्ता रूप में हमारे मूलाधार चक्र में स्थापित हो जाइए माँ, हो जाइए माँ। अब इसके साथ हम अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे आएंगे और यहाँ पे श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। माँ, विश्व भर में कितना अज्ञान है, कृपया करके हमको सम्यक ज्ञान प्रदान करें। माँ, हम जान सके क्या सत्य है, क्या झूठ है, इसकी बुद्धि विवेक आप श्री सरस्वती रूप में
हमारे अंदर आके हमें प्रदान करें माँ। अपने चित्त को नाभि के नीचे रखेंगे जहाँ पे हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। अगर एनर्जी गोल गोल वहाँ पे सर्कुलेट हो रही है तो इसका मतलब श्री माता जी ने हमारे अंदर सरस्वती माँ को जागृत कर दिया है। अब हम अपने चित्त को धीरे से अपनी नाभि पे लाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप ही इस जगत की पालनहार हैं और श्री विष्णु रूप में, श्री लक्ष्मी रूप में हमारे सभी सुखों, सभी भोग योग की तृप्ति प्रदान करते हैं, संतुष्टि प्रदान करती हैं माँ। कृपया करके हमारे नाभि चक्र में श्री विष्णु लक्ष्मी रूप में आप जागृत हो जाए माँ, जिससे किसी भी तरह की सांसारिक दुखों की छाया हमारे ऊपर ना पड़े, सभी सांसारिक सुख हमको प्राप्त हो सके माँ, जिससे हमारे आध्यात्मिक मार्ग का पूरा पूरा रास्ता खुल जाए माँ, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना रहे। श्री माता जी से ऐसी प्रार्थना करेंगे और अपने चित्त को अपनी नाभि पे रखेंगे। महसूस करेंगे कि निराकार रूप में एक एनर्जी फ्लो हो रही है गोल गोल घड़ी की सुइयों की दिशा में हमारे नाभि के चारों ओर। अब अपने चित्त को मध्य हृदय मिलाएंगे, पूरा मध्य हृदय में रखेंगे चित्त को, कहीं नहीं जाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ आप हमारे मध्य हृदय में सदैव श्री दुर्गा रूप में विराजती हैं। माँ हमारे अंदर और हमारे बाहर जो भी नकारात्मकता है माँ, उन सब का विनाश करती हैं। हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक सुख, उपलब्धि, संतुष्टि, प्राप्ति सभी का पूरा ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती हैं माँ। कृपया करके हमारे चारों तरफ जो भी नकारात्मकताएं हैं श्री माता जी, इस वातावरण में जो भी नकारात्मक है माँ, नेगेटिविटीज़ हैं माँ, उन सब का आप नाश कर दीजिए और हमारे मध्य हृदय में सदैव सदैव के लिए विराजित हो जाइए माँ। आ जाइए माँ, आ जाइए माँ। चित्त को मध्य हृदय में रखेंगे और महसूस करेंगे एक ऊर्जा जो हमारे मध्य हृदय में गोल गोल घूम रही है, पूरे चित्त को रखेंगे मध्य हृदय में। जगदम्बा का आवाहन हम लोग 12 बार जगदम्बा बोलेंगे और माँ का आवाहन करेंगे।
जगदम्बा 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 हम अपने चित्त को बाएं हृदय में ले जाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे। माँ आप ही साक्षात श्री शिव शक्ति हैं। माँ कृपया करके शिव स्वरूप आत्मा को मेरे अंदर पूर्णतया जागृत कर दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए। माँ एकदम हृदय से चित्त बाएं हृदय में प्रार्थना करेंगे। माँ मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। माँ अब धीरे से अपने चित्त को बाई विशुद्धि में लाएंगे। विष्णु माया जो पूरे विश्व में ईश्वर के आगमन का उच्चारण करती हैं, उद्घोष करती हैं, अनाउंसमेंट करती हैं, पूरे ब्रह्मांड में आकाश तत्व में जो व्याप्त है श्री विष्णु माया, उनका आवाहन करेंगे और अपने चित्त को बाएं विशुद्धि में रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपया करके मेरे अंदर आकाश तत्व को जागृत कर दीजिए। माँ आप ही मेरे विशुद्धि चक्र की स्वामिनी हैं। श्री माता जी बाएं गर्दन में अपना चित्त पर अब धीरे से अपने चित्त को मध्य गर्दन में ले आएंगे, मध्य भाग में ले आएंगे और श्री राधा कृष्ण श्री कृष्ण जिन्होंने हमें इस विश्व को साक्षी स्वरूप में देखने का मार्ग बताया, योग मार्ग बताया, उन्हीं योगेश्वर कृष्ण को हम अपनी मध्य विशुद्धि में पुकार रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण कृपया करके मेरे मध्य विशुद्धि में विराजिए। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री कृष्ण हैं। माँ आप ही विराट विराट आंगना है। माँ मुझे इतना विराट बना दीजिए माँ कि मैं ब्रह्मांड का अंग प्रति अंग बन जाऊँ। श्री माता जी चित्त मध्य विशुद्धि में माँ से प्रार्थना करेंगे। माँ कृपया करके आप इस होली के अवसर पे जिस प्रकार से होलिका के अंदर सारी नकारात्मकताएं नष्ट हो गई थी, माँ भस्म हो गई थी, ऐसे ही मेरे अंदर और मेरे चारों तरफ
जो भी नेगेटिविटीज है माँ, उन सब को आप भस्म कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए माँ, नष्ट कर दीजिए माँ। मुझे श्री कृष्ण की तरह मेरे आकाश तत्व को पूर्णतया जागृत कर दीजिए माँ। इसी प्रार्थना के साथ हम अपने आज्ञा चक्र पे आएंगे और यहाँ पे हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, माँ वो सभी नकारात्मक लोग जिनका चित्त मेरे ऊपर है माँ, और कभी कभी मेरा भी चित्त उनके ऊपर जाता है, सभी नकारात्मक चीजों से मेरा चित्त हटा दीजिए माँ, और लोगों का भी चित्त मेरे ऊपर से हटा दीजिए माँ, और मेरे आज्ञा चक्र को पूर्णतया सुरक्षित और स्वच्छ कर दीजिए श्री माता जी। मुझे क्षमा की शक्ति प्रदान करिए माँ, मैंने सबको क्षमा किया। सब लोग एकदम पूर्ण हृदय से बोलेंगे, माँ मैंने सबको क्षमा किया। आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए श्री माता जी, मेरे पूर्वजों को भी क्षमा कर दीजिए श्री माता जी। अब हम अपने सहस्रार पे आ जाएंगे और यहाँ पे श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों को देखने का प्रयास करेंगे। परम चैतन्य हमारे अंदर बहने लगा, हमारे दोनों हाथों में आ गया। परम चैतन्य ऊपर से बह रहा है, हमारे ऊपर बरस रहा है और हमारे दोनों हाथ परम चैतन्य से भरे हुए हैं। हमारा सहस्रार पूर्णतया से प्लावित है, माँ का आगमन हो गया है। अब हम श्री माता जी की वंदना में तीनों महामंत्र बोलेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी
गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अपश्चातात् अवपुरस्तात् अवुत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्धातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्तं चिन्मय त्वम् आनन्दमयस्तं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दा इत्योषि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयार्तीतः तं देहत्रयार्तीतः तं कालत्रयार्तीतः तं मूलाधारिस्तोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मासं विष्णुस्तं रुद्रस्तम् इन्द्रस्तम् अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवत्सरं गणादिं पूर्व उच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारा परतरः अर्धेन्दुलिसितं तारेण रिद्धम् एतत् मनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारा शान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वर्धं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शिष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार नौ रघुबर बिमल जस जो दया कृपाल बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरउ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
कपी सिद्धि लोक उजाग राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणे अति जात राम काज करिबे को आत प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा प्रेम रूप धरि असुर सहारे राम चंद्र के काज सवारे संजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हर सिउर लाए रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत समवाए सहस बदन तुम रो यस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई चल दिलांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमृत जीवन फल पावे चारो ओर प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवतपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और
हनुमत से सर्व सुख कर, संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, सत बार पाठ कर सोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मांडेरा, की जय नाथ हृदय मांडेरा, नाथ हृदय मांडेरा। शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तो हमारी बिठाई भी विद्वान थी, विधवा के लिए करना। हमने कहा कि इनको क्या हो दीदी, तुम समझते जा और खाते जा, तो समझ नहीं आया क्या होगा। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये लोग सरभंग पिए हुए, तो मैं वैसे उठी खाली पर से नमस्कार करके और हाथ धोया और अपनी अटैची उठ के मैं ट्रेन में बैठ, किसी के पैर भी नहीं छुए, हमारे पैर छुने लगा, कुछ नहीं किसी कहा नहीं चलते, कहने का कहा नहीं। तो लखनऊ में उन्होंने खबर दी थी भाई कहाँ चली गई दुल्हन, तो हमने कहा सब भंग पिए हुए थे, इन लोगों से क्या बात हम पर, कब चले आने का, सबको बगली पी है। तो बात यह है कि भंग भंग पीने की संयोग कोई जरूरत नहीं, जब चाहे तब मन नहीं भंग पीजिए। भंग का जो उपयोग है व्यवसाय में जाने का, वो हम लोग ऐसे ही करते, मतलब ये कि कोई अगर आदमी बड़ा ही ओरियंटेड है, बहुत ड्राई है, शुष्क है, गंभीर है, तो उसके लिए सहयोग में पूर्ण व्यवस्था है कि वो अपने आज्ञा चक्र को ठीक कर ले, आज्ञा चक्र को अगर वो इसी तरह से खुलवा ले, अपने ही आज्ञा चक्र को ठीक कर ले, तो वो व्यवसाय में काफी है। निद्रा के समय अगर आज्ञा चक्र को घुमा करके सो जाए तो अच्छे से निकाल, और अगर उसको फिर भंग की दशा से निकालना है तो फिर आज्ञा चक्र को कस ले, तो फिर राइट साइड का। तो जब अपने ही हाथ में सारी चीज पड़ी हुई है, जब हमारी सारी ही शक्ति हमारी अंदर समाई हुई है, और जब उसका पूरा ही ज्ञान हमको मालूम है कि कौन सा चीज किस पकड़ घुमाने का, तो इस बाहर की चीजों का अवलंबन करने की जरूरत है। तो उस समय में भंग हो सकता है जस्टिफाइड थी शायद कृष्ण के जमाने में, लेकिन कभी पीते नहीं होते, खाते हैं शायद, पता नहीं क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये किया, लेकिन बाकी लोगों को जरूरत पड़ी, क्योंकि जो सीरियस लोग थे उनको जरूरत थी कि भंग पिए, जिससे क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशन है, हम राजा साहब हैं, हम महारानी साहब हैं, हम घर के मालिक हैं, हम फलाने हैं, हम कैसे मैथड से मिले, मैथड तो घर की झाड़ू लगा। तो उसके लिए ये कि पहले तुम भंग पियो तो मैथड और तुम एक हो जाओ, भूल जाओ कि तुम मैथड और वो क्या, इसलिए भंग पिला देते थे कि तुम्हें होश ही न रहे कि तुम कौन हो, क्योंकि इससे आइडेंटिफिकेशन बने हुए हैं कि हम फलाने हैं, हम दीगाने, भंग पीजिए तो सब एक। अब इसी का उल्टा हिस्सा ऐसा है कि जब कभी दास जी ने कहा कि सुरती जब चढ़ती है तब सब एक जात होता है, तो उन्होंने सोचा कि जब तंबाकू आदमी खाता है तो वो भी एक जात हो जाते हैं, तो उन्होंने तंबाकू का नाम सुरती रख दिया। जब हिसाब नहीं लगा था कि उनका तंबाकू सुरती हुई,
क्योंकि तंबाकू जब खाते हैं, जब जिसको तंबाकू की तलब होती है तो वो चाहे राजा हो, उस वक्त में अगर कोई गरीब भी बैठा हो तो भी उसके साथ तंबाकू तो जरूर कोई मांग लेता है। इसलिए उसका ये तंबाकू चीज सुखी हो सकती जो भी इसमें राजा रस नहीं बैठा। ये इंसान की खासियत है, किसको कहाँ जाके मनाएगा ये वही जाए। लेकिन होली का जो विशेषता है पर इसमें ये याद रखना चाहिए कि दिवाली अगर इसे बनानी है तो इसमें डिसेंसी के साथ इंग्लिशन का अश्लीलता बिल्कुल नहीं आनी। अगर अश्लीलता गई तो फिर वो होली नहीं हुई, श्री कृष्ण की नहीं, वो तो होली हुई ऐसे लोगों की जो पार जो पार हो जाते हैं होली खेलते वक्त कोई सी भी अश्लीलता ना। यानी ऐसे जैसे सहयोग में हम स्त्री पुरुष होली नहीं खेलते, पुरुष पुरुषों के साथ और सहयोग में भाभी देवर में हो सकता है, उसका भी एक नियम है। आप जानते हैं कि जो औरतें बड़ी हैं वो अपने से छोटों के साथ होती है और जो बड़े हैं जो बड़े पुरुष हो उनके साथ स्त्री और छोटी हो तो वो होली नहीं खेलता किसी भी तरह का व्यवहार पर्दा होता है। उससे उलट जब स्त्री बड़ी हो तो उनके साथ से पुरुष का व्यवहार जो है खुला होता है अपने मान नहीं पाए। इसलिए भाभी देवर में होली होती है लेकिन जेठ और दुल्हन में नहीं, जेठ पता और ये राजा आपको आश्चर्य होगा सारे हिंदुस्तान में है और वो अपने आप ही चलता है। हम लोगों के अंदर अंतर ही हमारे संतों में बैठा है क्योंकि अपने उनका काम होता नहीं अभी तक। जैसे इंग्लैंड में आप देख लीजिए कि 80 साल की गुड़िया है वो 18 साल की लड़के शादी करेगी, अपने आप को सोच भी नहीं सकता कि मैंने अपनी बुद्धि नहीं है इस चीज से। तो इधर ये तो सब चीजें होती है हमारे संस्कारों की वजह से, हमारे अंदर जिसको ये अंदर बैठे हुए हैं जिसकी कोई ना हो उसकी वजह से हम बचे हो कि भाई 80 साल की कोई भी क्यों हो तो माँ हो ही गई, तो माँ माना ही हुआ, माँ क्या होगी नानी होगी। तो उसे ऐसे दिमाग में सोची भी बेवकूफ के भी दिमाग में ऐसी बातें जितने भी पतित आदमी के भी दिमाग में ऐसी बातें आ रही और उसकी बुढ़िया के भी दिमाग में ऐसी बातें कभी आई। तो हमारे जो संस्कार है भारतीय संस्कार है इन्हों से हम इन्हीं की वजह से हम लोग धीरे धीरे पूरी तरह से परिपक्वता में आते हैं। हम लोग परिपक्व नहीं होता, उनकी उम्र हमेशा गधे 25 ही नहीं रहती, उससे ऊपर नहीं होता। हम लोग परिपक्व हो जाते क्योंकि हमारे अंदर के संस्कार ऐसे कि जो मान लेते हैं हम पूरी तरह से, जैसे कि स्त्री है वो कायदे से अगर बढ़े तो परिपक्व हो जाएगा और अगर हवा में लटके तो परिपक्व नहीं हो सकता। वो बूढ़े भी होते जाते हैं तो भी उनमें बचखाना पड़ जाता ही नहीं। और जो हिंदुस्तानियों का संबंध भी वेस्टर्न लोगों से आता है इससे आता वो भी कुछ वैसे हो जाते हैं बनने का। उनकी भी बूढ़ा औरतें बड़ी बड़ी लड़कियां होंगी वो भी वही बेवकूफी की बातें करेंगी जो कि लड़कियां बात करेंगी, उनके भी समझ में सूझबूझ में परिपक्वता नहीं। और इस परिपक्वता को पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो जो कायदे कानून बने हुए उसकी तरह और उसमें बहुत ही आने की बात कोई गड़बड़ी हो सकती कुछ अपने समाज में दोष नहीं आते। तो होली का जो ये हिस्सा है इसको संयोग में छोड़ देना पड़ेगा अश्लीलता का, और होली का जो प्रेम का हिस्सा है इसे अपना कि बगैर भंग किए हुए भी हम सब एक हैं ये भावना आप जानते हैं। इस वक्त विशेष रूप से गले मिला दें क्योंकि कृष्ण का तार तारी प्रेम का प्रेम को पूरी तरह से लूटने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा ये सब परमात्मा की प्रेम की लीला है। इसे सीर से है लीला लीला धर्म, जिसने लीला को धारणा किया वो श्री कृष्ण थे और इसलिए उन्होंने कहा कि सब चीज को लीला कर। और ये लीला धन की जो लीला है उसमें अश्लीलता से नहीं है। और हमारी जो संस्कृति है सीधी सरल बैठी और इन लोग की उल्टी खोपड़ी, जैसे औरतें जो है वो बदन खोल के घूमे और मन को अगर हो और एक आध औरत आ जाए तो फौरन वो अपने कोट के बटन लगाए। हमने कहा भी मर्दों के कोट के बटन की क्या जरूरत है, और तो कोई ताजे से पल्ला लेना चाहिए। तो उनके सभी संस्कृति उल्टी फूटी बैठी और वो कुछ बैठी गई है वो जमेगी धीरे धीरे सहयोग में आने से वो लोग जम रहे हैं।
और अब आप लोगों की जो संस्कृति उसको आप कृपया न छोड़े, सहयोग के लिए बहुत महान चीज है कि आप हिंदुस्तानी भी है और आपके पास संस्कृति की बड़ी भारी एक गर्ववान वस्तु है, उसको आप पकड़े, पकड़ के उसी चीज पे जमे और उसी पे आप परिपक्वता पाए। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं आप ढाचार्य या किसी तरह से आप बहुत सीधे साथ रखते हैं चिंता। आपकी माँ जब हंसी तो आप देखा है कभी कभी तो सात मंदिर की हंसी आती है, सब लोग हैरान होते हैं कि गुरु लोग तो कभी मुस्कुराते भी नहीं है, माँ की तरह हंसी रहती है और उनके मुख पर मुस्कुराहट तो कभी जाती है। मैं तो एक मिनट से ज्यादा सीरियस नहीं हो सकती, जब सीरियस भी होती तभी नाटक रहता है। और बहुत से लोग इस बात को जान रहे हैं इसलिए वो भी नहीं सीरियस ले लेते, ये गलत बात। तो कृष्ण ने चाह कि जो कुछ भी गलत सलत हो गया है राम के जीवन की वजह से, राम का जीवन बहुत आदर्श, बहुत ऊंचा, बहुत गंभीर, तो उन्होंने देखा कि अभी सब लोग राम बने जाए, उनका ऐसी बात नहीं हुआ। वो तो राम का कार्य राम करके चले गए, अब तो लीला का समय, लीला में सोना चाहिए और इसीलिए उन्होंने सारे संसार को लीला का एक पाठ पढ़ा। और लीला का कभी भी अर्थ अश्लीलता या अपने मर्यादाओं से गिरना, अपनी परंपराओं से उतरना या अपनी जो प्राचीन धारणाएं बहुत सुंदर अभी तक बनी है उनको छोड़ना, ये नहीं। हाँ, भी आदि जो गंदी चीजें उनको छोड़ देना, लेकिन जो पवित्रता की भावनाएं आपस के रिश्तेदारी की है उसको पूरी तरह से सहयोग में हम लोग मानते हैं और उसको निभाना चाहिए, भाई बहन के रिश्ते। अब कल हमारे भाई साहब आए थे, बस देखा उन्होंने कि हमारे बहन का उनके आंखों से आंसू बह गया है, मैं देख रही थी कि बार बार वो आंसू को वो कुछ और नहीं कर। तो ये जो पवित्रता की भावनाएं, प्रेम की भावनाएं, इसमें आदमी को चाहिए कि सहयोग की दृष्टि से विचार, हरे सहयोग की दृष्टि से जो शोभायमान तो माधुर्य को लेते हुए शोभायमान कोई सा भी बिहेवियर जो कि अशोभ ही है, छोटी छोटी बातों पे बात करना, छोटी छोटी बातों में उलझना, बेकार में आपस में झगड़े करना, किसी चीज की मांग करते रहना, हमको ये चाहिए वो चाहिए या कोई भी तरह की इस तरह की बातें करना, ओछा ओछा। और ऐसे लोग सहयोग नहीं करते, एक बचपन लेकर के उदारता लेकर के अपने को चाहिए। तो आज की तो असल में पूजा जो है वो तो बिल्कुल मैं थोड़ी सी पूजा करना चाहती हूँ, निर्देशन इतने हैं कि कोई पूजा की विशेष आवश्यकता नहीं, मंत्र उनसे कहने की भी आवश्यकता नहीं, मंत्र भी गांधी जी में डाल देता है पता नहीं क्यों। तो आज प्रसन्न चित्त होकर के बस दो ही तीन मंत्रों में हम आज कर्म करेंगे। लेकिन इतना मैं कहूंगी कि होली को दिवाली बनानी और दिवाली को होली, तब सहयोग का इंटीग्रेशन पूरा होगा। दिवाली भी प्रसन्न चित्त होकर के करें और दिवाली में भी लोग इतना रुपया खर्च करते हैं कि दिवाली के बाद दिवालिया होकर के यानी इसी से शब्द दिवालिया निकला है। क्या आप मान सकते हैं कि दिवाली से शब्द दिवालिया निकला, जिससे दिवाली मना ली वो दिवालिया हो गया, ये तो दिवालिया शब्द कैसे निकला यही बताइए। कुछ कुछ बड़े सुंदर शब्द है उसमें से दिवालिया शब्द, ठीक दिवाली मनाई आपने, ठीक अब आप दिवालिया हो गए। तो हम लोगों को दिवालिया नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो कि मर्यादा से बाहर है, दिवालिया नहीं हो। जितना आपने बुद्धि का है उतना करिए, उससे आगे आप परमात्मा पर छू दिवालियापन करने की जरूरत है। और होली में दीवानगी करने की जरूरत, कोई सा भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो इनडिसेंट हो, जिसमें डिकोरम नहीं हो, जिसमें कोई भी सभ्यता नहीं, न्यूनता सब सभ्य तरीके से काम करो। छोटी छोटी चीज में आपके अंदर आना चाहिए, किसकी मर्यादा जैसे अब कला की श्लोक बजा रहे उस वक्त किसी को उठना नहीं चाहिए, इसीलिए आर्ट का मान करना है। आपको बहुत बार देखा होगा कि जब कोई आर्टिस्ट बजा तो मैं खुद जमीन पर बैठा,
क्योंकि आप मान पान किसका करना चाहिए सहयोगियों को बहुत आना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल आर्टिस्ट लोग भी देखिए पैर पर हमेशा ये पोजिशन है, पैर पे हमेशा शॉल रख करके बताएंगे आर्टिस्ट, क्योंकि हो सकता है छोटागढ़ में कोई बैठे हो देव देवता और मेरे पैर में दिखाई दे। अपने देश की इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि मैं आपसे क्या, ना सुंदर अपने विश्वास बना हुआ, ना सुंदर परमात्मा का कहना चाहिए कि अंग वस्त्र है कि उसकी गहनता उसकी बनावट में इतनी काव्यमय सारी चीज, बहुत ही सुंदर काव्य, लेकिन हम लोग उसे नहीं समझ पाते और अपने जीवन में नहीं ला पाते तो वो सबसे गंभीर हो जाते मान पाए। अब कल गेट बैठे हुए थे हमारे रिश्ते में, तो हमें आप देखिए पूरे समय पूरे लेक्चर में वो एक मर्यादा बनी रही कि हमारे जेठ बड़े भाई बैठे हुए हैं उनके आगे कांट तक हम बोल। अब तो हमारी शक्ति हमारे कौन जेठ और हमारे कौन बड़े भाई, लेकिन जब इस रिश्ते में बैठे हुए उसका मान पान पूरी तरह से हर रिश्ते का मान पान रखा है। आप कुछ भी हो जाओ सहयोगी भी हो गए तो भी आप मान पान कर देते हैं, ये नहीं कि उसको आप तोड़ दें। और इस तरह से जब आप करेंगे धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें बड़ा ही मान और बहुत ही मीठी चीज है। तो आज के होली के दिन सिर्फ होली का दहन का एक मंत्र आप जब कहें कि होली का मर्दिनी, ये मंत्र से आप लोग मेरा पैर, और बच्चों को गणेश की तो स्तुति होनी ही चाहिए इसलिए गणेश की स्तुति करते हुए बच्चे पैर धोले और फिर तीन मंत्रों से मेरे पैर धोले और कोई खास चीज करने की जरूरत नहीं, और भी धोने में को और भी लाल कैसा तो ठीक है, तो दूसरे इसे मंत्रों से आप वो धो लीजिए और जो होली का केस है तो और कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं क्योंकि फिर वो सीरियस पे आ जाते होली सब पूजा बंद करा करके और सिर्फ होली करूंगा छोड़ो पूजा कंप्लीट पूजा पूरी बंद कर। उसी तरह से आज हम लोगों को कृष्ण को याद करते हुए सब पूजाएं बंद कर देंगे और सिर्फ यही करना चाहिए कि आज उल्लास और आल्लास का दिन है, सब अपनी होली मिलो क्योंकि आज होली आई है और होली का ही आनंद उठाना है। और इसकी दिवाली बनाने का मतलब जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो सुचारू रूप सभ्यता को देखते हुए अत्यंत कला ऐसी सुंदर रचना नई तरह की होली की हमें करनी चाहिए और इसीलिए होली को दिवाली बनाना है और दिवाली को होली बनाना। आप सबको मेरा आनंद Thank you.
जय श्री माता जी। सर्वप्रथम हम सभी लोग श्री माता जी को आज के इतने सुंदर ध्यान, इतनी सुंदर वाइब्रेशंस और दैवीय ऊर्जा परम चैतन्य के लिए अनेकों अनेक धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि नमन श्री माता जी, कोटि कोटि नमन। श्री माता जी, हम आपके बहुत ही अभूत बच्चे हैं। श्री माता जी, हम में से कईयों को आपकी संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान और अनुभव भी नहीं है। माँ, हे परम पावनी माँ, यदि हमसे मन, वचन, कर्म या विचार से भी कहीं भी आपकी शान के खिलाफ कोई भी
गलती हो गई हो श्री माता जी, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। हमसे जुड़े हुए लोगों से यदि आपके शान के खिलाफ कोई भी गलती हो गई हो श्री माता जी, आप उन सबको भी क्षमा कर दीजिए माँ। हे परमेश्वरी, यदि हमसे किसी भी मंत्र उच्चारण या किसी भी चीज में कहीं भी कोई कर्ता भाव आया हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करें श्री माता जी, क्षमा करें श्री माता जी। आप ही करता है, आप ही कर्विता है माँ। हम कुछ भी नहीं करते, सब कुछ आप ही करती हैं श्री माता जी। आपने हमारे माध्यम से जो आज पूजा ली, इसके लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद। धन्यवाद श्री माता जी, धन्यवाद श्री माता जी। आपकी सभी कृपाओं के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, हमको शक्तियाँ देने के लिए, हमें आत्म साक्षात्कार देने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद श्री माता जी, अनेक अनेक धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद श्री माता जी। हे परम पावनी माँ, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि विश्व में जिन भी व्यक्तियों से, देशों से भौगोलिक सीमाओं से परे कोई भी जो गलती हुई है माँ, जिसके कारण ये कोरोना वायरस चारों तरफ अपना प्रकोप फैला रहा है श्री माता जी, आप उस गलती के लिए हम सबको क्षमा करें माँ, सबको क्षमा करें श्री माता जी, और इसका प्रकोप पूर्णतया शांत हो जाए। इसका जो विस्तार हो रहा है माँ, उसको आप रोक दीजिए श्री माता जी। अपने बच्चों की रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए श्री माता जी। हम सभी की इस जन्म की कोई भी गलतियाँ, जाने अनजाने हुई गलतियाँ, ईश्वर की शान के खिलाफ हुई गलतियाँ, और हमारे पूर्व जन्मों के, हमारे पूर्वजों के द्वारा की हुए मन वचन कर्म विचार किसी भी तरह से ईश्वर की शान के खिलाफ जो भी अपराध हुए हैं श्री माता जी, उनको भी क्षमा करिए, क्षमा करिए श्री माता जी, क्षमा करिए श्री माता जी। जय श्री माता जी। कोई नहीं उठा के बंधन लेंगे।